बोट ने लॉन्च कर दी अपनी नई स्मार्ट वॉच बोट वेब आर्केड। इसकी जो प्राइस है सिर्फ 1800 रुपीस है और इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और एक प्रीमियम टाइप की आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे फीचर्स आपको इस वाले स्मार्ट वॉच में मिल जाते हैं। तो अगर आपका भी बजट अंडर 2000 रुपीस है लेकिन फुल्ली फीचर लोडेड अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपको सब कुछ बताने वाला हूँ बोट वेब आर्केड के बारे में। पहले कर लेते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो बोट वेब आर्केड का बॉक्स कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, सामने फोटो वगैरह देखने को मिल जाएगी और बैक साइड में बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिल जाता है। सबसे पहले स्मार्ट वॉच मिल जाती है, टाइप ए टू पोगो पिन कनेक्टर मिल जाएगा वॉच को चार्ज करने के लिए, ढेर सारा पेपॉक मिल जाता है, वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल और बोट का स्टिकर मिल जाएगा। तो सब कुछ रखते हैं साइड में, आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। वैसे मैंने स्मार्ट वॉच का सेटअप कर लिया है। इसका बोट वियरेबल ऐप है जो आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इजी है इसको कनेक्ट करना। जैसे आप कनेक्ट कर लोगे कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको इसके ऐप में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बोट वेब आर्केड के हम फिजिकल ओवरव्यू डिजाइन और बिल्ड से। तो इसमें आपको स्क्वायर फ्रेम देखने को मिल जाता है। अब ये जो फ्रेम है ये मेटेलिक होने वाला मेटल फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड में एक फिजिकल की मिल जाती है जिससे आप बेसिकली बैग वगैरह कर सकते हो। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिल जाती है, यहाँ पर मल्टीपल सेंसर चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं और इसमें 22mm साइज का सिलिकॉन का स्ट्रैप यूज किया गया है। इस स्ट्रैप की क्वालिटी काफी अच्छी, सॉफ्ट ज्यादा नहीं है लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है स्ट्रैप की। लेकिन आप इसमें जो है थर्ड पार्टी स्ट्रैप भी यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के स्मार्ट वॉच ऐसे बहुत ज्यादा लाइट वेटेड भी होने वाली, अच्छी बिल्ड भी आपको देखने को मिल जाती है। तो डिजाइन और बिल्ड आपको काफी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। पहले बात कर ले यहाँ पर डिस्प्ले की, तो 1.81 इंच की HD कलरफुल डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कलर्स वगैरह बहुत ही वाइब्रेंट और शार्प आपको देखने को मिल जाते हैं। टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आपको इस वाले वॉच में देखने को मिल जाता है। व्यूइंग एंगल्स भी काफी सही है, साइड से भी विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है और टॉप में 2.5D का कर्व ग्लास भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें जो है 550 निट्स की ब्राइटनेस होने वाली है। तो आप इसको आउटडोर भी अगर यूज करते हो डायरेक्ट सनलाइट में तो आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है। विजिबिलिटी को लेकर कोई भी इशू आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की कि इस वाले वॉच में आपको 150 प्लस ऐसे तो हाई क्वालिटी क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस तो मिल ही जाते हैं लेकिन वॉच की स्टोरेज काफी ज्यादा है। इसमें 20 वॉच फेसेस आप सेव करके रख सकते हो, काफी सारे वॉच फेसेस आप यहाँ पर सेव कर सकते हो 20। इवन आप कस्टम वॉच फेस भी इसमें यूज कर सकते हो। तो जो कस्टम वॉच फेस आप यूज करोगे इसकी क्लियरिटी आपको एवरेज वाली देखने को मिल जाती है लेकिन वॉच फेसेस बहुत सारे आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो 20 प्लस। तो यहाँ पर एक चीज है भाई कि स्मार्ट वॉच का जो आपको टच रिस्पॉन्स वगैरह है वो काफी बढ़िया मिल जाता है, ब्राइटनेस अच्छी है, कलर्स वगैरह बढ़िया दिखते हैं और बेजल्स की थिकनेस भी आपको जो है बहुत कम टाइप की इसमें देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले काफी बढ़िया आपको इस वाले वॉच में देखने को मिलेगी। सो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस वाले स्मार्ट वॉच के वर्कआउट्स मोड की। तो इसमें आपको 100+ डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं वॉच के अंदर में ही। काफी लंबी लिस्ट आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाती है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको वर्कआउट मोड से रिलेटेड ऑलमोस्ट वो सारा वर्कआउट मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, काफी सारे हैं भाई, 100+ हैं। यहाँ पर मैंने वॉक को सिलेक्ट किया 2-3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पर जो है वर्कआउट्स मोड के निकल कर आ रही है, काफी ज्यादा डिटेलिंग स्मार्ट वॉच ऑफर करती है। तो नो डाउट अगर आप कोई भी वर्कआउट इसके थ्रू करते हो तो आपको डिटेलिंग काफी अच्छी मिल जाएगी वर्कआउट्स मोड की। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसकी स्टोरेज काफी ज्यादा है तो उसका एक आपको यूज केस ज्यादा समझ में आएगा अगर आप जो है ब्लूटूथ कॉल के अंदर में जाओगे। यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स में आप इसमें 50 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। ज्यादातर स्मार्ट वॉच में 10 होते हैं या फिर 15 होते हैं पर इसमें आप 50 अपने फेवरेट्स कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो और फिर आपको मिल जाता है डायल पैड। यहाँ से आप कोई नंबर डायल करके कॉल कर सकते हो। तो फटाफट से कॉल लगाते हैं, कॉलिंग टेस्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं इसका कैसा होने वाला है। कमिंग कॉल आती है तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, या तो कॉल आप रिजेक्ट कर सकते हो मैसेज विथ रिप्लाई या फिर कॉल एक्सेप्ट कर सकते हो। हेलो, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, अभी एक स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ, मेरी वॉइस तुमको क्लियर सुनाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह कुछ तो नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं एकदम क्लियर आ रहा है, जैसे कि तुम फोन से बात कर रहे हो वैसा। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैं स्मार्ट वॉच की UI की। तो जैसे आप स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऐसे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप क्विकली किसी भी सेटिंग वगैरह में जंप कर सकते हो और यहीं पर आपको AI वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में बिल्ट इन दो गेम्स भी मिल जाते हैं, अगर आपको कोई गेम प्ले करना है तो आप यहां से करके अपना थोड़ा बहुत टाइम भी पास कर सकते हैं। जैसे आप स्वाइप अप करते हो तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन सारे देखने को मिल जाएंगे जो भी आपके सोशल मीडिया पर आए रहते हैं। इवन आप कोई नोटिफिकेशन आए तो उसको रीड भी कर सकते हो। जैसे आप लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हो तो मल्टीपल आपको विजिट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन भी ऐड किया गया, जैसे आप देख सकते हो म्यूजिक प्लेयर के अंदर में थोड़ा एनिमेशन है तो अच्छा लगता है इसे देखने में। और यहाँ पर आप कुछ और विजिट्स को ऐड भी कर सकते हो, इनमें से कोई विजिट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे आप जो है राइट हैंड साइड में स्वाइप करते हो यहाँ पर पूरा आपको मेनू देखने को मिल जाता है।
जहाँ से आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो। मेन्यू स्टाइल में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप अपने फोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। फाइंड फोन है, स्टॉप वॉच आपको मिल जाता है, काउंटडाउन है, यहाँ पर आपको कैलेंडर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, कोई भी कैलकुलेशन आप इंस्टेंटली यहीं पर कर सकते हो। और जैसे आप सेटिंग में जाते हो तो यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। स्क्रीन टाइम आउट मैक्सिमम 15 सेकंड्स का मिल जाता है। QR कोड स्कैन का है और कुछ बेसिक और सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो स्मार्ट वॉच की जो UI है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं है। और भाई फीचर्स तो बहुत सारे आपको UI के अंदर में मिल जाते हैं, आप खुद ही देख सकते हो। और एनिमेशन वगैरह जो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐड किया गया है, ट्रांजिशन वगैरह है, वो काफ़ी स्मूथ है। कुल मिला के UI काफ़ी अच्छी है इस वाले वॉच की। तो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई इसके फिटनेस फीचर्स की। तो बहुत सारे फिटनेस फीचर्स आपको वॉच के अंदर में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाता है, आपको SPO2 मिल जाता है, स्लीप डेटा वगैरह देखने को मिल जाता है, पेडोमीटर है, सेडेंटरी रिमाइंडर, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर। तो ऐसे मल्टीपल टाइप के आपको फिटनेस फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके हार्ट रेट और SPO2 को कि किस लेवल की आपको एक्यूरेसी वगैरह देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप डेटा देख ही सकते हो, हार्ट रेट और SPO2 का ऑक्सीमीटर के कंपैरिजन में बहुत ही सिमिलर डेटा आपको देखने को मिल जाता है। कि ये जो वॉच है ये एयर में और टेबल वगैरह पर रखने पर कोई भी डेटा मेजर नहीं करती। वैसे अगर बात कर लें बैटरी बैकअप की, तो ऑलमोस्ट आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाता है ऐसे नॉर्मल यूज पे। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कॉल्स का यूज करते हैं तब उस केस में आपको 2 दिन के आसपास का बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इसमें IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, इसका मतलब आप इसको 1.5 मीटर पानी के अंदर लेके जा सकते हो, एक्सीडेंटली पानी गिर जाता कोई दिक्कत होने वाली इस वाले वॉच में नहीं है। सो अभी आपने बोट वेब आर्केड का एक डिटेल रिव्यू देख लिया है। इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है सिर्फ 1800 रुपीज रखी गई, और प्राइस के हिसाब से भाई ब्लूटूथ कॉलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। उसकी लाउडनेस अच्छी मिल जाती है, क्लियरिटी काफी अच्छी है ब्लूटूथ कॉलिंग की, बड़े साइज की आपको डिस्प्ले मिल जाती है HD रेजोल्यूशन के साथ में। बाकी फिटनेस फीचर्स, वर्कआउट मोड आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोडक्ट बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी, आपको इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका भी बजट अंडर 2000 रुपीज है, एक ब्रांडेड स्मार्ट वॉच चाहिए वो भी अच्छे फीचर्स के साथ में, फिर आप इस वाले स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों का अभी भी कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरीके और वीडियोज़ को देखने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।